जो एम है वो है ज़ीरो वेस्ट और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। हम टारगेट करते हैं बच्चों को, क्योंकि हमें लगता है कि वो आने वाली जनरेशन है, बड़े लोगों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि वो ज़ीरो वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाइफ स्टाइल बनाएँ, और हम चाहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी को हम न्यू कूल न्यू ट्रेंड में ले आएँ। जैसे हमने 2019 में ये इको मेला लगाया था, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जैसे मिट्टी की बॉटल्स थी और कुछ ऐसे न्यू बैग्स थे कि जो ट्रेंड में आए थे, और लोगों को पता चला था कि अच्छा ये चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं रादर देन प्लास्टिक, और जो मदर नेचर के लिए अच्छी नहीं है वो चीज़ें। तो इस बार भी हमारा यही एम है कि हम ऐसी चीज़ें और ऐसे आइडियाज़ हम प्रमोट कर सकें। जैसे ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट होती है स्कूल्स में या बच्चों को कराई जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बहुत चीज़ें वेस्ट होती हैं। तो हमने आज यहाँ पर नेचर क्राफ्ट कराया है। नेचर क्राफ्ट में हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई हैं जिसमें नेचर की चीज़ों को यूज़ करके हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, जिससे हम उन्हें ये क्राफ्ट को भी प्रमोट कर सकें और उन्हें हम अवेयर कर सकें कि इस तरह भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट और चीज़ों को दिखा सकते हैं अपनी। कब से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ अब तक आपने किया है? ये हमने 2019 में किया था, और अब ये बीच में कोविड आ गया था तो हम कर नहीं पाए, तो अब हमने ये 2022 में किया है। वैसे हम लोग एनवायरनमेंट पे काम करते रहते हैं, हमारे अभी कैंपेन भी चल रहा था, उसमें हम शॉप टू शॉप डा के पोस्टर्स लगा रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि जो आप सामान लेने आते हैं ग्रॉसरी वगैरह, अपना जूट बैग आप लेकर आएँ। हमारे यहाँ जो वोकेशनल की लेडीज़ होती हैं वो कुछ क्लोथ्स बैग स्टिच करती हैं, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अपने घर से ये लेकर आइए और इसमें सामान लेके जाइए। अगर एक बंदा सुबह शाम तक इतनी सारी प्लास्टिक यूज़ करता है, पहले वो सुबह में नाश्ते का सामान लाता है, अंडा ब्रेड ये सब, फिर दोपहर में आता है सब्जी आती है, वेजिटेबल्स आती हैं, और लोग डबल डबल और लेते हैं पॉलीथीन, तो हम सबको बोलते हैं कि आप अपने घर से ही एक जूट बैग लेके चलिए और उसमें सामान लेके आइए। तो एक व्यक्ति भी अगर ऐसा करना स्टार्ट कर देगा तो एक दिन में एक व्यक्ति 5 से 10 पॉलीथीन सेव कर सकता है। तो हमारे लिए ये एक एक और एड ऑन होते जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है? पब्लिक का रिस्पांस, हमने जो अभी शॉप टू शॉप अवेयरनेस वो किया था, तो वो तो बहुत सोच होता, लोग बोल रहे थे आप जाके सरकार को ही बोलिए वो पॉलीथिन बनाए ना, आप जाके उनको बोलिए वो लाए ना। ग्राहक आके मांगते हैं फिर कहते हैं अच्छा मत दो सामान, नहीं है पॉलीथिन तो। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि 10 में से 1 ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है और आपको करना चाहिए और हम भी आपके साथ हैं, हम भी कस्टमर्स को बोलेंगे, शॉपकीपर्स ने कहा कि आप घर से अपने एक थैला लेकर आइए अगली बार। तो कुछ लोग भी साथ देते हैं, कुछ कहते हैं नहीं एक से क्या हो रहा है, तो हम बोलते हैं यही अगर हर बंदा कहेगा तो 1 मिलियन हो गए, तो यही एक से क्या होता है, एक से ही तो मैटर करता है। आपका नाम? निशात हाशम। ये जो इको मेला है मैं पहली बार आई हूँ। वैसे तो हम लोग हाई लेवल पे जब होता है तो जाते ही रहते हैं, प्रगति मैदान में वो तो मैं वहाँ पर गई थी, लेकिन यहाँ आपका एक छोटी सी पहल जो है निशात ने करी है काफ़ी अच्छी है, और मैं चाहती हूँ कि ये हाई लेवल पर हो यहाँ पर ओखला में, लेकिन ओखला की पब्लिक को जागना पड़ेगा। जो बच्चों ने अपने हाथों से काम करा है उस काम को देखते हुए लग रहा है कि हाँ इन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए हमें, अगर हम इनका कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आ जाई थी। ओखला की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं ओखला की जनता से यही करूँगी कि जो भी बच्चों ने हाथ से बनाए उन्हें मोटिवेट करें, उनसे कुछ ना कुछ तो खरीदें, ताकि बच्चों को ये लगेगा कि हाँ पब्लिक हमें चाह रही है। और देखिए हाथ से बनी हुई चीज़ों को अगर कोई नहीं लेगा, सब कंपनी से बनी हुई चीज़ें लेंगे, मशीनों से लेंगे, तो फिर इन बच्चों को हौसला अफजाई कौन करेगा इनकी। हम चाहते हैं कि इनसे बच्चों से कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीदे। मेरा नाम दानिश अहमद है, मैं एक इवेंट प्लानर हूँ शुभ वेडिंग टीम की तरफ से। 2019 में पहली बार ये मेला भरा था, इको मेला गफ्फार मंजिल में, जो कि निशात जी ने इसको भरवाया था। तो अभी दो साल पहले जो कोविड हुआ था उसके बाद 2022 में इस बार फिर से मेला भरा है। तो उस टाइम पे जब 2019 में मैं आया था तो मुझे लगा था कि यार इतनी सारी गैदरिंग यहाँ पे, मतलब एक लोगों को एनवायरनमेंट का एक मौका मिलता है घूमने का, एक्सपोजर का। तो उसके बाद से 2022 में अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ वीडियो लेडी हैं जिन्होंने अपने फूड के स्टॉल्स लगाए हैं, पॉटरी लगी हैं, और कुछ बच्चे मजा कर रहे हैं, इधर उधर पहाड़ी पे बैठे हैं लोग। तो लग रहा है कोविड के बाद एक फिर से फ़न करने का लोगों को मौका मिला है। तो शुभ वेडिंग टीम ने इस मेले को फिर से एक बार स्पॉन्सर्ड किया है। तो ये आगे आप दिल्ली में भी कहीं करेंगे? हाँ, अगर इस तरह का हमें मौका मिलेगा, हम लगातार काफ़ी लोगों को एक्सपोजर का मौका दे रहे हैं। कई बार हमने मतलब और भी जगह किया है, नोएडा, गाज़ियाबाद, लेकिन ओखला में पहली बार इको मेला को स्पॉन्सर्ड किया है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि इसको अपोज कर रहे हैं? काफ़ी पसंद कर रहे हैं। देखिए माहौल जो यहाँ दिख रहा है, काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उनके चेहरे से, उनकी मुस्कान से लग रहा है कि आने वाला टाइम इनके लिए एक सक्सेसफुल साबित होगा। जफर मोहम्मद जफर हसन ऐसा लग रहा है आपको? पहली बार आया हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सारा हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर हैं, बच्चों ने बनाई हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें ख़रीदें और ये हैंडमेड चीज़ों को ही यूज़ करें, क्योंकि मशीनों की बनी हुई चीज़ें तो हर जगह मिल जाती हैं, ये चीज़ें जो हैं बहुत ही
रेयर जगहों पे मिलती हैं, तो हमको यूज़ करना चाहिए। और फिर एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि हम जूट का इस्तेमाल करें और पॉलीथिन को। क्या लगता है, मतलब जो मशीन की चीज़ें बनी होती है काफ़ी सस्ती होती है, जो हैंड से बनी होती हैं, तो इन पर लोग आएंगे इस तरफ? आना चाहिए क्योंकि ये जो है एनवायरनमेंट के लिए जो है फ़ायदेमंद है। और पॉलीथिन हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ओखला के लोगों को कुछ पैगाम? ओखला के लोग जूट की बनी चीज़ों को यूज़ करें और इस मेले को में जो लोगों ने पार्टिसिपेट करा उनको मोटिवेट करें अपनी चीज़ें खरीद के यहाँ की।